इसकी ओएमआर को वायरल है पूरे इंटरनेट पर और इसका फर्स्ट रैंक है 636 नंबर पे। अगर यहाँ पर कोई 636 वाला बैठा होगा तो हो सकता है कि उसका तो सिलेक्शन ही ना हुआ हो, क्योंकि कोई रैंक उसका नहीं आएगा और पीछे रैंक आएगा उसका। किसी स्कैम के थ्रू आया हुआ डॉक्टर है और हो सकता है कि उस दौरान आपकी डेथ भी हो जाए। तो फिलहाल जो एनडीए ने किया है, एनटीए जो है वो पूरे के पूरे नीट के रिजल्ट को डाइवर्सिफाई करने का काम कर रही है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जैसे हमारे देश को चलाने के लिए डेमोक्रेसी के लिए चार स्तंभ हैं, वैसे ही नीट का पेपर भी चार लेवल पर लीक हुआ है। पहला फिजिकल फॉर्मेट में, यूपी में, पटना में, झारखंड में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, वहाँ पर जले हुए पेपर मिले हैं। दूसरा डिजिटल फॉर्मेट में, चाहे वो टेलीग्राम हो चाहे वो व्हाट्सएप हो, वहाँ पर सिग्निफिकेंट अमाउंट में पेपर लीक हुआ है, जिसको एनटीए मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने पहले इसको जो है साफ साफ कह दिया, डिनाई कर दिया है कि नहीं भाई, हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, जो होगा सो देखा जाएगा। थर्ड चीज, कुछ ऐसे स्कैमर्स हैं, कुछ ऐसे दलाल हैं जो ये कहते हैं कि आपको नीट एग्ज़ाम में जाना है और अपनी ओएमआर को खाली छोड़ देना है, हम एनटीए के ऑफिस में भर देंगे। वहाँ एनटीए कुछ बाबू उनके सोना है, बाबू सोना का रिश्ता चल रहा है। चाहे देश में, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मोदी जी कह रहे थे कि हम लोग कुछ लोगों को स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, अमाउंट ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन जिस देश का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बीमा मांग रहा हो, वहाँ पर स्वास्थ्य बीमा देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। कल को आप किसी अस्पताल में जाएंगे, वहाँ पर आप डॉक्टर पर डाउट करेंगे कि हो सकता है डॉक्टर फर्जी हो सकता है डॉक्टर वो हो जो फर्जीवाड़े से सेलेक्ट हो। आप सोचिए ना कि जिस एग्ज़ाम में पिछले साल 650 नंबर पर 5000 रैंक था, उसमें अभी 650 नंबर पर 50000 रैंक पहुंच गया। आप मुझे बताइए, अगर एक दिन दूध की थैली 55 रुपए की मिलती है, अगले दिन 550 की मिलती है, तो आप क्या कहेंगे, ये फर्जीवाड़ा है कि नहीं है? एक दिन पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिलता है, अगले दिन 1000 रुपए लीटर मिलता है, तो आप लोग क्या कहेंगे, ये फर्जीवाड़ा है कि नहीं है? किसी भी चीज़ में अगर 10x इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, 10 गुना हो जा रहा है, तो फर्जीवाड़ा है कि नहीं? चौथी बात, ये तीन बातें हुई। चौथी बात, उसके बाद में एनटीए, ये हमारे जितने भी लेवल पर लोगों को जागरूक किया, उनको बताया समझाया, एनटीए ने अपने 5 पॉइंट का एक जवाब दिया। उसमें सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहती है कि हमने अप्रोक्सीमेशन किया, क्योंकि ऐसा देखा गया कुछ बच्चों के 718 नंबर है, 719 नंबर है, किसी बच्चे के 600 नंबर थे ओएमआर को चेक करने पर, वहाँ आ जा रहे हैं 720, क्योंकि 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 में 720 नहीं है, एनटीए के अप्रोक्सीमेशन के बाद में हुए। एनटीए कहता है कि हमने 1563 बच्चों को मार्क्स दे दिए। अब आप मुझे बताइए कि जो दलाल ये बोल रहे थे कि आप ओएमआर शीट खाली छोड़ देना, हम वहाँ भरवा देंगे, और एनटीए कह रहा है कि हमने भी 200-250 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए हैं, तो दोनों का जब मिक्सर हो गया है तो उसको सेपरेट आउट कौन करेगा? मतलब पहले एग्ज़ाम देते वक्त फ़ोटो की मिक्सिंग, उसके बाद में दलाल और एनटीए की मिक्सिंग, उसके बाद में देश के पूरे सिस्टम की मिक्सिंग, कोई कुछ करने वाला नहीं। आज तो प्रेस ब्यूरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुझे सिर्फ एक बात सुनाई दी कि चाय जो है उसको चौथे फ्लोर पर रखा गया है, मतलब टी नीट था वो, नीट के बारे में कोई चर्चा करने वहाँ पर आया नहीं था, वो टाइम पास करके चले गए। नो, जिनको नई सरकार शपथ ग्रहण ले रही है और जो एनटीए है वो शिक्षा मंत्रालय के अधीन वाली इस मसले को लेकर, क्योंकि पेपर हर, देखिए हम अक्सर सुनते रहे हैं, हर साल ये सुनते हैं कि अब कोचिंग संस्थानों पर लगाम कसेगी सरकार। हम तो हेडलाइन में यही सुने हैं आज तक, या फिर ये सुने कि सरकार ने कहा है कि अभिभावक बच्चों से अनावश्यक उम्मीदें ना रखें। भाई नीट के रिजल्ट आने के बाद में इनफाइनेट, मैं कहूँगा नंबर डिफाइन ही नहीं है, कुछ चीज़ें रिपोर्ट हुई, कुछ चीज़ें रिपोर्ट नहीं हुई है, इतने सुसाइड हुए हैं। अब वो सरकार कहाँ है जो ये ज्ञान देती है कि पेरेंट्स ध्यान रखें, जो ज्ञान देती है कोचिंग वाले ध्यान रखें, जो समझाती है कि टीचर्स को समझाना चाहिए, जो समझाती है कि फन क्लासेस रखनी चाहिए, उस सरकार कहाँ है, मेरी समझ के बाहर है। मतलब आप ये देखिए, जिस देश में, युवाओं का देश है भारत, और एग्जाम की तैयारी करते करते बाल सफेद हो जा रहे हैं, कोट सफेद चाहिए, बाल सफेद हो गए, पेरेंट्स उनको देखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्टेथोस्कोप पहन के आएगा, उनकी आंखें सफेद हो गई है, सफेद कोट में देखने की चाह में मोतियाबिंद हो गया हमें। सर 8x10 के कमरे में, जिसके बाद जेल लिखा नहीं होता है, लेकिन बिना सजा के 4-5 साल वो इंसान गुजारता है इस उम्मीद में कि एक दिन वो डॉक्टर बन जाएगा। और सरकार, क्योंकि आप देखिए, सुसाइड एक छोटा मोटा स्टेप नहीं होता है, ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है जो आपको दिख गया है, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, पैनिक अटैक्स में, ओसीडी में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इनफाइनेट बच्चे गए हैं।
25 लाख बच्चे देख जो है इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं और आपने रिजल्ट का सत्यानाश किया है, कम से कम शुरू के 5-6 लाख बच्चे मान लीजिए साइकेट्रिक पेशेंट बन चुके हैं और उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सिर्फ सरकार जिम्मेदार है क्योंकि